पाठशाला में आप दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का चैप्टर खोलने जा रहा हूं, जिसकी तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। ऐसा भव्य, इतना बड़ा मंदिर आपने कभी नहीं देखा। आज आपको उस मंदिर की तस्वीरें दिखाऊंगा जो अयोध्या के राम मंदिर से भी बड़ा होगा, और आपको बताऊंगा कि अयोध्या के राम मंदिर से भी बड़ा मंदिर कहां बन रहा है। दुनिया भर में कृष्ण भक्ति से जुड़ने वाली संस्था है इस्कॉन। आपने सुना होगा ना, इस्कॉन के टेंपल में जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर का निर्माण इस्कॉन करवा रहा है। करीब 28 लाख वर्ग मीटर में फैला यह मंदिर परिसर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी तस्वीरें आप देखिए, इसके एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन इतना बड़ा मंदिर, वैदिक मंदिर दुनिया में नहीं है, और इसकी तस्वीरें आप देखते जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब तक सबसे बड़े मंदिर के रूप में कंबोडिया के अंकोर वाट को जाना जाता है, जो करीब 16 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यह मंदिर जिसको आपको दिखा रहा हूं, यह बंगाल में अगले साल 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण साल 2009 में, यानी यह अंकोर वाट का दिखा रहा हूं, जो अभी तक सबसे बड़ा था, अब उससे भी बड़ा वैदिक मंदिर जो है वो भारत में बंगाल में बन रहा है। और इस मंदिर की आप भव्यता सोचिए कि 2009 से, पिछले 14 साल से इसका निर्माण चल रहा है। वैदिक मंदिर की विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी नींव करीब 100 फीट गहरी है, यानी जमीन में 10 मंजिला इमारत के बराबर नीचे इसकी नींव गई हुई है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद एक साथ 10,000 लोग भगवान कृष्ण के दर्शन कर सके, जबकि मंदिर परिसर में करीब 1 लाख लोग आराम से घूम सकते हैं। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। इस मंदिर की लागत करीब 1,000 करोड़ रुपए आएगी, और सबसे बड़ी बात यह कि मंदिर भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ब्रह्मांड के वैदिक मॉडल का सबसे बड़ा केंद्र होगा। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मंदिर की भव्यता और विशालता के बारे में आपको बता देता हूं। इसके लिए इस मंदिर की तुलना दुनिया के दूसरे पवित्र स्थान और ऐतिहासिक इमारतों से एक बार करके आपको बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा यह मंदिर है। धर्म से जुड़ी विशाल इमारतों की लिस्ट में एक नाम आता है हागिया सोफिया मस्जिद का, जिसे आया सोफिया मस्जिद भी कहते हैं। यह मस्जिद तुर्की के इस्तांबुल शहर में है, और इसकी कुल ऊंचाई 55 मीटर और चौड़ाई 5,997 वर्ग मीटर है। दूसरी इमारत है अपने देश में आगरा में जो ताजमहल है, इसकी ऊंचाई 73 मीटर है, चौड़ाई 32,892 वर्ग मीटर। तीसरे नंबर पर लंदन की सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च है, इसकी ऊंचाई 111 मीटर है और चौड़ाई 11,838 वर्ग मीटर है। और अब आपको वो वैदिक मंदिर दिखा रहा हूं जो बंगाल में बन रहा है, इसकी कुल ऊंचाई 113 मीटर और चौड़ाई 65,032 वर्ग मीटर में फैला है। अगले साल से इस मंदिर की पहचान दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के तौर पर होगी, जहां दुनिया भर के किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग आ सकेंगे, और भारत की पौराणिक काल से चली आ रही ब्रह्मांड के वैदिक मॉडल को आप यहां पर समझ पाएंगे। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इसके 3 शिखर है, इसलिए पहले आपको इन विशाल शिखर के बारे में बता देता हूं। जो बीच में आप हिस्सा देख रहे हैं, यह मुख्य शिखर है, वैदिक ब्रह्मांडीय झूमर, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। दूसरा शिखर जो देख रहे हैं वो वेस्ट विंग है, भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह देव का मंदिर, और तीसरा शिखर ईस्ट विंग के नीचे वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा। जिस तरह आप स्पेस के बारे में जानने के लिए प्लेनेटेरियम में जाते हैं, ग्रह नक्षत्र दिखते हैं, ठीक उसी तरह आप वैदिक प्लेनेटेरियम में सनातन धर्म के बारे में जाएंगे, जान पाएंगे, सभी लोक के वर्चुअल दर्शन कर सके, उसके बारे में समझ सके। और इन शिखरों पर आप देखिएगा सोने की परत चढ़ाई गई। 350 फीट ऊंचे इस मंदिर के शिखर तक पहुंचने के लिए 14 लिफ्ट लगाई गई है, 14 लिफ्ट। सोचिए कितना बड़ा मंदिर है। पहले आपको वैदिक झूमर का एक एनिमेशन वीडियो दिखाता हूं, जिसमें इस सृष्टि के निर्माण को लेकर बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। यहां आकर ये समझ सकेंगे कि ये दुनिया किसने कब और क्यों बनाई, दुनिया बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। ये एनिमेशन वीडियो है जो वहां लोगों को दिखाया जाएगा, इस बात को वैदिक झूमर में दर्शाया जाएगा।
इसलिए इसे इस मंदिर को दुनिया का वैदिक मंदिर कहा जा रहा है। आमतौर पर यह बताया जाता है कि करोड़ों अरबों साल पहले खगोलीय घटना से ब्रह्मांड और पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति हुई, लेकिन सनातन धर्म और शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे पूरा विज्ञान है जिसके बारे में बहुत पहले वेदों में लिखा जा चुका है, लेकिन मॉडर्न युग के चक्कर में इस ज्ञान से दूरी बढ़ती चली गई, इसलिए आज इस बात को भी आपको समझना चाहिए। ऋग्वेद में एक श्लोक है, सप्त दिशो नाना सूर्या देवा आदित्या ये सप्त, यानी इसमें कहा गया है कि सप्त दिशो नाना सूर्या, यानी सूर्य अनेक है, यहां सप्त दिशो का मतलब है सात सौर मंडल, लेकिन विज्ञान ने अभी तक एक ही सौर मंडल को ठीक से खोजा है और दूसरे सौर मंडल की खोज चल रही है, जबकि ऋग्वेद में सात सौर मंडल का भी जिक्र है और कई और सूर्य है इसका भी जिक्र है। एक और श्लोक आपको ऋग्वेद से लिया गया है, वो दिखाता हूं, शकमयम धूमम अराध अप्यम विषुवता पर इनावरणी और इनावरेण, यानी सूर्य के चारों और तरफ और दूर दूर तक शक्तिशाली गैस फैली हुई है, यहां गैस के लिए धूम शब्द का प्रयोग किया गया, सूर्य के चारों तरफ गैस है, इसकी पुष्टि सही तरह से 19वीं सदी में हो पाई थी, जबकि ऋग्वेद में यह कब का लिखा हुआ है। अथर्ववेद में कहा गया था कि सूर्य का प्रकाश दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले सभी प्रकार के प्रदूषित जीवाणुओं और रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है, यह अथर्ववेद में लिखा है। यह सारी बातें आज से 3200 साल पहले ही कह दी गई थी और इस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, यानी जो बातें हम आज विज्ञान से समझ रहे हैं उनके प्रमाण हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि और विद्वान दे चुके, लिख के चले गए, और यही वजह है कि इस मंदिर के भक्तों में एक बड़ी संख्या विदेशी लोगों की होगी जो इन बातों पर पूरी तरह यकीन करते हैं कि हमारी सनातन परंपरा और शास्त्रों में जानकारी का भंडार छिपा हुआ है। आज आपको इस मंदिर के चेयरमैन से भी मिलाना चाहता हूं जिन्होंने इस मंदिर को 250 करोड़ रुपए दान दिए। इनका नाम है अम्बरीश दास, ये नाम इन्होंने इस्कॉन से जुड़ने के बाद रखा। इनका पुराना नाम क्या पता है? अल्फ्रेड फोर्ड। हमारे यहां मंदिर की बात करने वाले को बड़े हीन भाव से देखते हैं, अच्छा ये तो एक्सट्रीम हिंदुइज्म की बात कर रहा है। वहां अल्फ्रेड फोर्ड जो है वो 250 करोड़ भी दे रहे हैं और इन्होंने अपना नाम भी अम्बरीश दास कर लिया। ये अमेरिका की मशहूर कार कंपनी फोर्ड के मालिक है, भाई वही फोर्ड कंपनी जिसकी कार आप चलाते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड के पोते हैं। 1975 में अल्फ्रेड इस्कॉन से जुड़े और इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपद के साथ भारत आ गए। भारत आने के बाद इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और फिर अल्फ्रेड से अम्बरीश बन गए। अल्फ्रेड तमाम ऐशो आराम को छोड़कर कृष्ण भक्ति के साथ भारत की सनातन परंपरा के बारे में सीख रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण में अम्बरीश दास की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन हमारे यहां कोई अगर हिंदू धर्म की बात करे, आजकल तो जो हिंदुत्व है उसको तो टेररिज्म से भी जोड़ने का प्रचलन चल रहा है, लेकिन यहां बड़े बड़े विदेशी आकर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और इतना बड़ा बड़ा मंदिर बन रहा है।